हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अंडा कढ़ी बनाना। तो आप तैयार हो जाइए अंडा कढ़ी बनाने के लिए होटल स्टाइल। अंडे बनाने के सबसे पहले आपको अंडे को बॉयल करना है। बॉयल के लिए मैं चढ़ा देती हूँ। जब तक अंडे उबल रहे तब तक मैं मसाला के लिए आपको बता देती हूँ। सारे साबुत ही लेने हैं, धनिया, लाल मिर्च, हरे मिर्च, दालचीनी, एक छोटा इलायची और एक पूरे लहसुन लेने हैं, उसमें 15-20 कली गोल की जीरा। ये सबका पेस्ट बनाकर आप साइड कर लीजिए। सारे साबुत ही आपको चाहिए, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं मसाले के। साबुत को ही पेस्ट बनाने हैं, कुछ का भी पाउडर नहीं लेना है, सिर्फ हल्दी का पाउडर लेना है, बाकी सारे साबुत ही को पेस्ट बना के रख लेना है। एक तरफ प्याज और टमाटर का बारीक काट कर या चॉप करके आप रख लीजिए। मैं चॉप कर रही हूँ, देखिए मैं प्याज का चॉप करके रख ली हूँ। अब मैं टमाटर को चॉप करके रखती हूँ। ये सारे मसाले आपको पहले से रेडी रखने हैं। इतना होने के बाद एक पैन चढ़ा दीजिए, उसमें गर्म होने के लिए मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए, सरसों का तेल। ये इसके अच्छे फ्लेवर आपके सरसों के तेल में ही आएंगे, इसमें सरसों तेल डाल दीजिए। उसके बाद बॉयल अंडा को छीलकर मैं रख ली थी, देखिए इस तरह के। इसे चारों तरफ से ऐसे कट लगाने हैं, चार साइड से कट लगाने हैं। वैसे क्यों चार साइड से कट लगाने मैं आपको आगे समझाऊंगी। तब तक सारे को ऐसे कट लगा कर गर्म तेल में डालते रहिए। ऐसे ही मैं सारे अंडे को ऐसे कर कर चारों साइड से कट लगा कर मैं डाल देती हूँ। ढक दीजिए, देखिए ये फ्राई हो गया। फ्राई होने पे कैसा दिखता है, अब इसको निकाल लेंगे। हम निकाल के एक बर्तन में रख लेंगे। मैं इसे ज़्यादा तली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। मेरे यहाँ सब कोई ज़्यादा तला हुआ पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा तली हूँ। देखिए ये रेडी है, सारे तल गए हैं अच्छे से। अब उसी बचे तेल में हम लोग अंडा बनाएंगे। इसे निकालेंगे नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही तेल जहाँ तक रखेंगे। इसी में चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसे लाल होने तक अच्छे भूनेंगे, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये अंडा का ही तेल था फ्राई हुआ, जिसमें हम फ्राई किए थे अंडा, वही ये तेल है, इसकी वजह से इसमें झाग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, झाग से कोई दिक्कत नहीं होंगे। जब हम टमाटर इसमें डालेंगे ना, तो वो झाग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए अब इसमें हम लोग टमाटर जो चॉप किए थे वो टमाटर डाल देंगे। अब सारे झाग देखिए कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और अच्छे से चला देंगे। चला कर इसे अच्छे से पकाएंगे। यही बेस में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको ढककर अच्छे से पकाना है। तो इसको हम अब अच्छे से एक बार और चला देते हैं। चलाने के बाद इसको हम फिर से ढक देते हैं। 2 मिनट हो गए, अब इसे हटा कर देखते हैं। देखिए कैसे तेल सारे ऊपर आ गए हैं। अब इसमें मसाला डालेंगे जो पेस्ट बना कर रखे थे, वो पेस्ट को डालकर यहीं पे थोड़ा हल्दी भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर। मैं मसाला पिस्ते टाइम नहीं डालती हूँ। अच्छे से चला देना है फिर से। फिर से इसे ढक देना है, ढक कर 5 मिनट फिर से पकाइए।
इसको एक बार और चला देते हैं। अभी ये और भुनेगा, तो इसे अब हटाकर भी, लीड को हटाकर अभी और भुनेंगे, जब तक अच्छे से पूरी तरह से तेल छोड़ ना दे। अब इसमें मैं मैश किया हुआ आलू भी डालूंगी, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना इसे स्किप कर दीजिए। मैं इसमें आलू डालूंगी, आलू डालने से ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट भी अच्छे आ जाते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। मेरे यहाँ आलू खाना सबको पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दीजिए। आलू को डालकर थोड़ा और इसे भूनेंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे। इस स्टेज पे देखिए, ये मेरे पास एवरेस्ट का चिकन मसाला है, ये रेड वाला पैकेट ही लीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं थोड़ा सा ये भी डाल रही हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे। इसे फिर से थोड़ा चला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको कितना ग्रेवी रखना है वो आप अपने अंदाज से पानी डाल सकते हैं। आपको कितने से ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ही पानी डालिएगा। तो मेरे यहाँ लोग ग्रेवी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ग्रेवी बनाऊँगी। अब इसको ढक दूँगी, ढक कर 5 मिनट तक इसमें उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आने स्टार्ट हो रहे हैं। जब तक उबाल आ रहे तब तक अंडा को हम ऐसे कर लेते हैं, जो कट लगाए थे ना उसको ऐसे फैला लेंगे, फ्राई करने में ये सारे सट जाते हैं, तो इसको फैला लेंगे। फैलाएंगे इसलिए ताकि इसमें ग्रेवी में जब इसको डालेंगे तो सारे अंडे के अंदर अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब कर ले, और अंडे खाने पे अंडे में भी अच्छा फ्लेवर आए, इसलिए हम 4 कट इसमें लगाते हैं, चारों साइड से 4 कट लगाएंगे। अब तैयार ग्रेवी, इसमें डाल देंगे सारे अंडे को, और देखिए कैसे इसे चलाकर ग्रेवी को अंदर डालने का कोशिश करेंगे। जो कट लगाए थे वो सारे अंडे के अंदर चला जाए ग्रेवी, इसलिए हम लोग कट लगाए थे। आलू के भी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। आलू एक बार मैं बोलूँगी आपको कि एक बार आप आलू ज़रूर डालकर बनाएं, एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसे खाना पसंद करेंगे आलू डालकर। देखिए रेडी हो चुके हैं। अब इसमें धनिया पत्ते जो भी थे बारीक काटे हुए वो डाल दीजिए। डालकर अच्छे से इसे चला दीजिए। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप रोटी या चावल जिसके साथ भी आप इसे अब खा सकते हैं।